चीटिंग या धोखा एक ऐसी चीज़ है जिससे निकलना सबके लिए इजी नहीं होता। कई बार तो हमें समझ ही नहीं आता कि सामने वाले ने ऐसा किया क्यों है। अगर उन्हें छोड़ना था तो डायरेक्ट बता सकते थे, पर लोग चीट करते हैं और बाद में जब उनकी ये सब बातें सामने आ जाती है तो कई बार सॉरी बोलकर टाल देते हैं, या कई बार ये भी नहीं करते बल्कि बस ऐसा दिखाते हैं कि उनकी नहीं बल्कि हमारी गलती है। जैसे किसी से बोला कि मैंने तुम्हारा वेट किया था, सब कुछ किया था, बात करने की कोशिश की थी, पर तुमने चीट किया। पर उनकी साइड से आंसर होता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा ही नहीं। यानी उनकी साइड से ये सब बहुत कैजुअल हमें देखने को मिलता है, पर जो इन सब से डील कर रहा होता है उनके लिए एक्चुअल में इसे फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर कोई चीट क्यों करता है, क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई चीट करता है। इन रीजंस के अलावा आप भी मुझे अपने रीजंस बता सकते हो, यानी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपके साथ अगर किसी ने चीट किया था तो उसका क्या जवाब था। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो भाई, अगर क्लियर एक बात सबके सामने बताई जाए तो ये बहुत से लोग जानबूझकर करते हैं। यानी कोई वैलिड रीजन नहीं होता ऐसा करने का, बल्कि उन्हें लॉयल रहना ही नहीं आता। उन्हें पसंद होता है कि हर किसी की अटेंशन लेना, लोगों के आगे पीछे घूमना, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करना, और जब वो ऐसा कर देते हैं तो उसके बाद वो सामने वाले को इग्नोर करने लगते हैं, और वो भी ऐसे जैसे वो आपको जानते तक नहीं। क्योंकि शुरू में तो पूरे एफर्ट्स लगा रहे थे कि आप ही मेरी जान हो, आपके बिना कोई कैसे रह सकता है, और फिर जब सामने वाले ने उन्हें अटेंशन देनी शुरू की तो उनका एक अलग चेहरा सामने आता है। फिर वो ये दिखाते हैं कि अब तो ये खुद ही मेरे पास आ रहा है या आ रही है, और फिर वो जानबूझकर अवॉइड करने लगते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा होता है कि जिन्हें वो इंप्रेस करने में लगे थे और अब वो इंप्रेस हो गए हैं तो कहीं कुछ सीरियस ना हो जाए। सीरियस हो गया तो फिर सामने वाला उन्हें बहुत ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस करेगा, हो सकता है कि फिर उसके दोस्तों से भी कॉन्टेक्ट करे, और ऐसा होगा तो लड़ाई बढ़ेगी, और लड़ाई होगी तो चार लोगों में बात फैलेगी, और फिर उनका जो ये चेहरा है वो सबको नजर आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जानबूझकर सिर्फ इंप्रेस करने में लगे रहते हैं और जबरदस्ती हर किसी के साथ अपना रिश्ता बनाकर उन्हें छोड़ते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना कूल हूं, या देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूं, मेरे आगे पीछे कितने लोग हैं। जबकि आपको ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ना आना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इनकी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है, फिर आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि इन्हें तुरंत छोड़ दो, और ऐसे किसी पर बहुत जल्दी बिलीव करने से अच्छा है कि टाइम दो, काफी टाइम तक सिर्फ नॉर्मल बात करो, सिर्फ दोस्त बनो, लोगों के एक्शंस देखो, उसी से आपको समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन नहीं। इसके बाद बहुत से लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते बल्कि वो अपने मन में बातें दबाते हैं। देखो यार, किसी भी रिश्ते को सही चलाने के लिए बातें सामने रखनी बहुत जरूरी है। आप क्या फील कर रहे हो, आपका उनका किससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, या कौन सी बात आपको हर्ट हुई है, हर एक चीज पहले सामने वाले से बोलनी जरूरी है, खुलकर बात करनी जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर है कि जब लोग बाहर वालों की बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय आपस में बात करने के, या तो आपको बहुत टाइम हो गया आपस में बात करते हुए और कुछ सोल्व नहीं हो रहा, तब तो बाहर बात करनी सही है, पर आपने आपस में कुछ कहा ही नहीं पर बाहर जो सब बोल रहे हैं उसी को सही मानकर सब करने लगे, तो कुछ भी ठीक नहीं होता। पहले डिस्कस करो, और कुछ सही नहीं होता तो आपस में फिर दोस्तों से पूछो, पर फिर भी कुछ ठीक ना हो तो अपने रिश्ते को थोड़ा स्पेस देना जरूरी है। क्योंकि जबरदस्ती रिश्ते को खींचते रहने से काफी बातें मन में रहती है और वो बड़ी होती रहती है, और फिर जब कोई किसी के साथ एप्रिशिएशन फील ना करे और बाहर कोई अगर उन्हें एप्रिशिएट करता है तो भी कहीं ना कहीं कोई दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कई बार लोग सामने वाले को एप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, या फिर वो खुद भी खुश नहीं होते तो दिल से तारीफ नहीं निकलती, और ना ही कुछ मीठा बोलना, ना प्यार से बात करनी, हमेशा रूड बिहेव करना, हमेशा एक ही चीज को रिपीट करना, तो इससे दोनों साइड की फीलिंग कम होने लगती है। और फिर बाहर जब किसी से बात होने लगे तो क्योंकि आप उसे नहीं जानते तो उसे जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, और फिर आप किसी और को अपना ज्यादा टाइम देने लगते हो, और यहां से अट्रैक्शन बढ़ने लगती है। पर मुझे लगता है यहां भी आपको डायरेक्ट बता देना चाहिए, उसे जिसके भी साथ आप हो, जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड नहीं चल रहा, उन्हें बता दो कि आप वो फील नहीं कर रहे जो पहले करते थे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या तो बातचीत करके इस चीज को ठीक करो, या अगर दोनों ही अब परेशान हो गए हो तो फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, ताकि एक क्लियर कन्वर्सेशन हो सके, ताकि सारी बातें डायरेक्ट बताई जा सके। आप जब अपनी हर चीज बता दोगे तो आपको भी आसानी होगी अपनी लाइफ में ध्यान देने में, और सामने वाला भी खुद पर ध्यान देता है, वो भी समझ पाता है कि रिश्ता है या नहीं है, और अगर है तो कैसा है या क्या करना चाहिए। उम्मीद है आप इन बातों को ठीक से समझ पाओगे। कोई सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ।
और वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।